वीडियो अपलोड करने के बाद यदि आपके भी वीडियो पर व्यूज़ नहीं आते तो आज का ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वीडियो अपलोड करने के बाद अपने वीडियो को बूस्ट कैसे करना है। ये ट्रिक 100% वर्क करता है। जो भी मैं आपको टिप्स देता हूँ पहले मैं अपने चैनल पर उसे अप्लाई करता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो आप हर एक वीडियो देखा कीजिए और अपने चैनल पर अप्लाई कीजिए। बहुत से लोग फीडबैक भी देते हैं कि ये ट्रिक 100% वर्क करता है। तो किसी भी वीडियो को मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, वीडियो पर व्यूज आता है या फिर नहीं आता है ये चार चीजों पर मैटर करता है। आपका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैक्स और आपका थंबनेल अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो देखिए, आपको जो डिस्क्रिप्शन लिखना है या फिर टैक्स को लिखना है उसके लिए कीवर्ड्स को लाना कहाँ से है। आपका जिस भी टॉपिक पर वीडियो है सिंपली आपको गूगल को ओपन करना है। मान लीजिए आपका जो टॉपिक है वीडियो का वो है प्रॉफिट एंड लॉस, तो यहाँ पर आपको सिंपली लिख देना है प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखिए, जितना भी YouTube पर प्रॉफिट एंड लॉस का कीवर्ड्स सर्च किए जाते हैं सारा यहाँ पर आ चुका है। तो इनको आपको क्या करना है, सभी को पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और डिस्क्रिप्शन में आपको एक एक करके इन सारे कीवर्ड्स को लिखना है। और आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, ये आपका डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए और टैग में भी ये होना चाहिए। टैग में भी सिंपली आप इसे कॉपी पेस्ट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके अलावा और क्या आपको लिखना है, तो YT स्टूडियो में सिंपली आपको जाना है। YT स्टूडियो में जाने के बाद नीचे आपको एक एनालिटिक्स का ऑप्शन दिख रहा होगा। यहां पर देखिए एनालिटिक्स का ऑप्शन है नीचे, सिंपली एनालिटिक्स में चले जाना है। एनालिटिक्स में जाने के बाद ऊपर में आपको एक रीच दिख रहा होगा, सिंपली रीच में चले जाइएगा। रीच में जाने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है और यहां पर आपको देखना है टॉप सर्च टर्म्स, यानी किस किस टर्म से आपका वीडियो मतलब सर्च करके देखा जाता है वो यहाँ पर आपका मिल जाएगा। तो सिंपली हम इस पर टैप कर देंगे। जैसे ही टैप करेंगे तो यहाँ पर देखिए जिन जिन कीवर्ड्स की वजह से हमारे चैनल पर व्यू जाता है वो सारे कीवर्ड्स यहाँ पर आ जाएंगे। तो देखिए, ऑन बोर्ड रिकॉर्ड ऐप कैसे यूज करें, ये देखिए 2.3% लोगों ने सर्च करा है, यानी 2.3% व्यू हमारा यहीं से आया है। तो इस कीवर्ड्स को आप क्या करेंगे, अपने वीडियो में यूज कर लेंगे। आपका YT स्टूडियो में अलग शो हो रहा होगा, ठीक है, मेरा अलग सो होगा। तो आप सिंपली यहां पर आइएगा और जो भी मतलब ज्यादा सर्च किए जा रहे हैं उनको आप यूज कर लीजिएगा। जैसे आप नीचे आएंगे तो कुछ कुछ में मतलब 0% भी होगा तो उन्हें आपको यूज नहीं करना है। मैक्सिमम आपको क्या करना है कि यहां से आपको 8 से 10 कीवर्ड्स को सिलेक्ट कर लेना है। 8 से 10 कीवर्ड्स को सिलेक्ट करने के बाद इसे आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टैग में डाल देना है। ऐसा करने से होगा क्या, तो आपका वीडियो देखिए सजेशन में जाएगा। सजेशन में जाने का मतलब क्या है, एक वीडियो यदि आपका यहां पर प्ले हो रहा है, कोई बंदा देख रहा है, तो उसके नीचे आपका दूसरा वीडियो आ जाएगा। जैसे ही दूसरा वीडियो आएगा तो यदि ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, तो वो बंदा इस वीडियो को क्लिक करके देख सकता है, यानी इंप्रेशन आपका यहां से बढ़ेगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि इसे यूज करने से आपका क्या होगा। और देखिए, आपको डिस्क्रिप्शन में किसका यूज करना है, तो यहाँ पर देखिए टॉप सजेस्टेड योर कंटेंट, हमारा जो वीडियो है वो किस किस वीडियो में सजेस्ट किया गया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं और आपका भी यहाँ पर शो होगा। तो आप YT स्टूडियो को खोल के देख लीजिएगा। सिंपली हम इसमें क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ से भी आपको क्या करना है, 5 से 7 कीवर्ड्स को ले लेना है जो कि बहुत ज़्यादा सजेस्टेड किया जाता है, सिर्फ उन कीवर्ड्स को। तो देखिए यहाँ से आपको 5 से 7 कीवर्ड्स को आराम से ले लेना है और अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देना है अच्छे से, ठीक है, यानी आपको मिक्स करके डिस्क्रिप्शन को लिखना होगा ताकि आपके वीडियोस में व्यूज आ सके। देखिए, बहुत से लोग करते क्या है कि अपने डिस्क्रिप्शन में हैशटैग का यूज नहीं करते, तो आपको कम से कम 10 हैशटैग का अपने डिस्क्रिप्शन में यूज करना होगा। तो आप हैशटैग का जरूर यूज किया कीजिए, उससे भी आपका वीडियो सर्च लिस्ट में जाता है, सजेशन में जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको शुरुआत में यहां पर व्यूज कैसे लाना है।